बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। वहीं इसके साथ ही ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली है। वहीं बैठक के बाद विजय कुमार चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ललन सिंह ने बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार का नाम आगे रखा गया, जिसके बाद सभी ने सहमति जताई। तो पार्टी के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी ने स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार हैं। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगी। अब विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह के दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रहे हैं विजय जी? ये शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब ये नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो क्या अभी बनेंगे तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की भी बात होगी? अभी बिल्कुल रीअलाइनमेंट की बात नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी, अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है न कोई लेना देना है, इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय भाई? नहीं, जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है, फिर आप हटने, हटना, हटाना, ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। है सांसदों के एक्सपेंशन पर है, राष्ट्रीय परिषद की मोहर लगेगी तब ऑफिशियल बताएंगे। तो अभी क्या आइए, अभी क्या क्या डिस्कशन हुआ है सर और क्या आगे आएगा? आप इतने दिन से कवर कर रहे हैं, इतने सीनियर हैं, पार्टी की 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई एम एड्रेसिंग टू यू, नॉट टू हर। 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं और उन प्रस्तावों पर भी राष्ट्रीय परिषद में चर्चा होनी है। ललन जी ने प्रस्ताव रखा कि मैं अब इस जिम्मेदारी को, चूंकि चुनाव निकट है, चुनाव संगठन की जिम्मेदारी थोड़ा कम ओन कर पाऊंगा, लिहाजा उन्होंने नीतीश कुमार जी से आग्रह किया कि इस जिम्मेदारी को आप संभालें, आपके नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाए तो पार्टी को और उसका बेहतर फायदा मिलेगा। इसी बात को लेकर उन्होंने त्याग पत्र की पेशकश की। देखिए, इंडिया अलायंस जो भी विपक्षी गठबंधन हुआ इस देश में वो माननीय नीतीश कुमार जी के ही इनिशिएटिव पे हुआ। पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद अभी निरंतर जारी है बैठकें और निश्चित रूप से जेडीयू की बहुत अहम भूमिका रहेगी इस गठबंधन में। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री चेहरा की बात कर रहे हैं? देखिए, अपने अपने पार्टी के नेताओं की बात है, हम अपने नेता को बिल्कुल चाहेंगे देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना। अगर हमारे चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति आती है तो निश्चित हम चाहेंगे कि जेडीयू के नेता होने के नाते मैं चाहूंगा कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री बने। जो बिहार में काम हो रहे हैं उसके बाबत एक जाति आधारित गणना बिहार ने जो कराया है, उसी तरह से देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराने का प्रस्ताव पास हुआ है और ये चार प्रस्ताव पास हुए, चारों प्रस्ताव पर सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें ये सारे प्रस्तावों को वहां पर पास कराया जाएगा और मुख्य श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी है, तो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को समय आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है, सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन दिया। नीतीश कुमार, बाहर भी नारे लग रहे थे कार्यकर्ताओं द्वारा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने के लिए, इंडिया अलायंस पे भी कोई बातचीत हुई है अभी? नहीं, इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात हो रही है, एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार देने की बात की जा रही है, तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा तभी ना भारत मुक्त होगा भाजपा से, भाजपा से भारत को मुक्त करना है और इंडिया अलायंस को बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है, उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और भी वो चाहते हैं वो मजबूत करना, उनका एक ही मिशन है, एक ही उनका लक्ष्य है कि हर हालत में भाजपा से भारत को मुक्त किया।